नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,57,000 से अधिक रोगी स्वस्थ और 2,57,000 से अधिक नए मामले आए सामने। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 3 रोगियों की मौत, सामने आए 394 नए मामले और 206 रोगी हुए स्वस्थ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए अरुणाचल प्रदेश को दिए 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग और प्रधान सचिव डॉक्टर शरद चौहान ने मदद का हाथ आगे बढ़ाने के लिए WHO का जताया आभार। बीते कई दिनों से हो रही बारिश के कारण ईटानगर को जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइन क्षतिग्रस्त। राजधानी में जल संकट दूर करने के लिए तेज गति से जारी है वाटर पाइपलाइन की मरम्मत। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,57,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए और 2,57,000 से अधिक नए मामले सामने आए। इस दौरान 4,000 से अधिक रोगियों की कोरोना से मौत हो गई। देश भर में कोविड के 29 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 21 लाख कोविड सैंपल की जाँच की गई और अब तक देश में 19,33,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश में शुक्रवार को 13,83,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। इनमें से 12,05,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 1,77,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई। मंत्रालय ने बताया है कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 6,63,000 से अधिक लोगों ने कल टीके की पहली डोज ली। देश के 37 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल मिलाकर अब तक इस आयु वर्ग के 92,73,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली डोज लग चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण से 3 रोगियों की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 92 हो गई है। राज्य में शुक्रवार को 394 नए मामले सामने आए और 206 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड से सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,916 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 87.22% रह गई है। शुक्रवार को राज्य भर में कोविड जांच के लिए 4,615 सैंपल एकत्रित किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए कोरोना के नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 84, चांगलांग से 49, अपर सियांग से 43, लोहित से 35, अपर सुबनसिरी से 32, लोअर दिबांग वैली और तवांग से 27, लोअर सुबनसिरी और नामसाई से 20, वेस्ट कामेंग से 12, ईस्ट सियांग से 10, पापुमपारे से 6, दिबांग वैली से 5, अंजाव, ईस्ट कामेंग और लोअर सिवांग से 4, कुरुंगकुमे और वेस्ट सियांग से 3, कामले और लेपारादा जिले से 2, लोंगडिंग और तिरप जिले से 1 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 62, लोअर सुबनसिरी से 21, चांगलांग और लोहित से 14, ईस्ट सियांग, नामसाई और लोअर दिबांग वैली से 13, वेस्ट कामेंग और तवांग से 12, अपर सुबनसिरी से 8, पापुमपारे से 5, क्रादादी, अंजाव और लोअर सियांग से 4, दिबांग वैली से 3, वेस्ट सियांग से 2, ईस्ट कामेंग और लेपारादा जिले से 1 रोगी शामिल है। स्वास्थ्य निदेशालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक ईटानगर के चिंपू में स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 14 बेड्स, स्टेट क्वारंटीन फैसिलिटी लेकी में 314, पापुमपारे जिले के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर मिट्टू में 18, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में 42 और डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर में 404 बेड्स उपलब्ध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए अरुणाचल प्रदेश को 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, जिनकी क्षमता 8 लीटर प्रति मिनट तक है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर शरद चौहान, स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर यिंगजुम तातो सहित कई अन्य अधिकारियों ने आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का कंसाइनमेंट रिसीव किया। स्वास्थ्य मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों की मदद के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि राज्य में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार हर संभव कदम उठा रही है। प्रधान सचिव डॉक्टर चौहान ने भी मदद का हाथ बढ़ाने के लिए WHO का शुक्रिया अदा किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो 8 लीटर पर मिनट में जो पोर्टेबल वाला 150 दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसके लिए मैं अरुणाचल स्टेट यूनिट वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन मेंबर को भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता है। तो इसको हम लोग, ये पोर्टेबल है, उसका हम लोग जो इंटीरियर रिमोट डिस्ट्रिक्ट में बेच देगा, और जो डिस्ट्रिक्ट में जहाँ में टीक है वहाँ में हम लोग, अभी कमियाँ तो नहीं होना चाहिए, जो पीएम केयर से भी हम लोग को बहुत सा अभी ऑक्सीजन जो जनरेटर जनरेशन जो करने वाला बेचने के लिए बोल रहा है, और बहुत बहुत सा जो एनजीओस भी अभी सपोर्ट करने के लिए है। तो अभी तक तो फिलहाल हमारा मेन डिस्ट्रिक्ट जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है पासीघाट और सिंहपुर ईटानगर में, इस दोनों में मेन जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड वाला जो जो आईसीयू में आने वाला यहाँ में आता है, तो इस दोनों में हम लोग कंसेंट्रेट बहुत किया है। अभी तक तो ऑक्सीजन का कमी नहीं है, अभी हम लोग उसका बना रहे इसमें दोनों में है, और अभी और उसको स्टैग्नेंट करने के लिए भी है, उसका जो मशीनरी सब आ गया है, तो इसलिए ऑक्सीजन जो अरुणाचल प्रदेश में कमियाँ नहीं हो रही है उसके लिए हम लोग देख रहे हैं। और इसलिए हम लोग ऑक्सीजन बेड भी हमारा यहाँ में आगे 168 था, अभी उसको हम लोग बढ़ाकर 333 बेड हो गया, और उसको इस लास्ट महीना तक हम लोग और 500 बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और आईसीयू बेड भी अभी तक हम लोग बढ़ाया है, अभी तक स्टेट में 40 आईसीयू बेड है, और इसको भी हम लोग अभी सारा जहाँ जहाँ में हम हमारा मेडिसिन होगा, डॉक्टर्स होगा, और जो एनेस्थेलॉजी जो डॉक्टर्स होगा वहाँ में हम लोग आईसीयू बेड भी और बढ़ाए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र अरुणाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने अंजाव, दिवांग वैली और नामसाई के जिला उपायुक्तों को अपने अपने ज़िलों में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की अनुमति दे दी है। अंजाव और दिवांग वैली में आज शाम 5 बजे से लेकर आगामी 31 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, जबकि नामसाई जिले में 23 मई की शाम 5 बजे से 31 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। हालांकि लॉकडाउन की अवधि में आपातकालीन एवं आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। लोहित जिले में शुक्रवार शाम 5 बजे से लागू हुआ लॉकडाउन सुचारू रूप से जारी है। जिले की ईएसी पीमे केचे ने बताया है कि लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और उन्हें लॉकडाउन के दौरान किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन ने रोजमर्रा की सभी ज़रूरतों का इंतज़ाम कर रखा है और लोग ऑनलाइन सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मेडिकल इमरजेंसी होने पर प्रशासन पास जारी करेगा और जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम के सभी नंबर 24 घंटे काम कर रहे हैं। कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार का जो लॉकडाउन है वो काफ़ी कम ड्यूरेशन के लिए है, इट्स ओनली फॉर 10 डेज। पिछले बार जब नेशनल लॉकडाउन हुआ था 2 महीने के लिए, तब भी हमारे लोहित डिस्ट्रिक्ट के एक भी पब्लिक को कुछ तकलीफ नहीं हुआ था। जो मेडिकल इमरजेंसीज होंगे, जैसे कि अगर किसी को मेडिकल इश्यूज है और उनको जाना चाहता है, तो उनको हम लोग पास प्रोवाइड करेंगे, जैसे पिछले साल किया था। पिछले साल भी एक भी लोगों को जो मेडिकल इमरजेंसी था उनको किसी को भी तकलीफ नहीं हुआ था। अगर लोग हमें रात को भी अप्रोच करते थे तब भी हम लोग उनको नेसेसरी पास दे देते थे। हाँ, ये बात है कि उनके पास मेडिकल रेफरल सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। और जो एसेंशियल सर्विसेज है वो उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ने जो हम लोगों का एसेंशियल सर्विस का जो कंट्रोल रूम है उसको ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया है, और ऑनलाइन जो क्या बोलते शॉपिंग जो है मी बड्डी के थ्रू वो कर सकेंगे लोग। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट शॉपकीपर्स को हम लोग ने ऑलरेडी मी बड्डी ऐप्स में हम लोग ने ऑलरेडी जोड़ के रखा हुआ है, तो लोगों को थोड़ा भी कुछ भी परेशानी होने का संभावना नहीं है। और LPG जो गैस है वो भी लोगों को होम डिलीवरी किया जाएगा, तो कुछ कोई भी लोग को किसी को भी कुछ भी तकलीफ होता है तो जो ERC का जो कंट्रोल रूम नंबर है उसमें वो लोग कॉल कर सकते हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। लोहित जिले में भी फेयर प्राइस शॉप पर प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल का वितरण किया जा रहा है, जिससे लाभार्थी प्रसन्न हैं और सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। टाइम में मोदी साहब ने हम लोग को इतना मेहरबान करके चावल 5 KG करके दे रहा है, हम लोग जैसे जैसे चल रहा है, इसीलिए मोदी साहब को हमको थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है। कमी करती है सबको, सरकार की ओर से 5 KG ऐसे मिलने से भी बहुत सा
मदद मिल जाता है ना खाने पीने को, दिक्कत नहीं होती, तो ही बोलेगा थैंक यू सरकार को। ईटानगर में जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने के कारण शहर में कुछ जगहों पर जलापूर्ति में समस्या आ रही है। पीएचईडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बुतत आदार मोंकू ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से ईटानगर में हो रही बारिश के कारण पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुआ, जिसकी मरम्मत का काम जारी है। प्रभावित इलाकों में वाटर टैंकर से पानी पहुँचाया जा रहा है। ये लापूर नाला का जो अभी जो हम लोग का हाइड्रेन पॉइंट का जो लाइन टूटने का वजह से अभी हाइड्रेन भी अभी नहीं है फिलहाल, तो उसके लिए हम लोग अभी शंकी व्यू में एक मोटर इंस्टॉलेशन किया है। तो लेकिन जो पानी जो हम लोग लिफ्ट करेगा रो वाटर है, तो ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसके लिए और एक में मेरा शंकी व्यू में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उधर से एक पॉइंट निकल के उधर से पानी लेने के लिए हम इंस्ट्रक्शन दे दिया, वो कल से शुरू होगा। अभी मेरा डैमेज है एक पुमा वाटर सप्लाई, अभी 11 MLD वाटर सप्लाई लाइन है, ये डैमेज है, तो उसको हम लोग लाइन टू हम लोग जुराई कर लिया, लेकिन चार्जिंग रह गया। तो उसके बाद में हमारा ये अब शंकी व्यू का जो MS लाइन है एक पार्ट है, वो कल कोलेप्स हो गया था, उसको अभी वेल्डिंग चल रहा है, वन इज रनिंग 3.5 MLD वाटर सप्लाई फ्रॉम शंकी व्यू। देन अनदर वी हैव ए वाटर सप्लाई फ्रॉम लापू नाला, तो लापू नाला से परसों हम लोग का जो रेन में परसों लैंडस्लाइड से पूरा हैवी लैंडस्लाइड आ गया, उसमें अराउंड 10 पाइप पूरा डेब्रिस में चला गया, तो वो है हमारा 1 MLD का वाटर सप्लाई देता है, तो शंकी पार्क में आता है, जितना जो शंकी पार्क है चंदन नगर एरिया को उसी से सप्लाई होता था, लेकिन वो इंक्लूडिंग दैट हाइड्रेन पॉइंट जहाँ में क्राइसिस होने से हमारा उसी से पानी जहाँ टैंकर थ्रू होकर हम लोग सर्विस देता है, तो वो लाइन भी कल कोलैप्स हो गया, परसों का रात में कोलैप्स हो गया। कल हम लोग सर्वे करने के लिए गया था लेकिन जा नहीं पाया लैंडस्लाइड की वजह से। आज मेरा लड़का लोग जंगल में है, तो उसमें हमको अभी डिटेल दिया है, तो उसको मैं आप लोग को भी शेयर करूँगा। और उसी में 10 पीस पाइप नीचे चला गया बोला है, डेब्रिस में चला गया, तो उसको रेस्टोर करने के लिए अभी मेरा लड़का लोग अभी आउटसोर्सिंग कर रहा है फिटिंग्स एंड पाइप्स, तो हम लोग कल आज और कल बुकिंग है, परसों तक हम लोग रेस्टोर करने के लिए कोशिश करेंगे। सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया का डेटा लीक होने का मामला सामने आया है। कंपनी के मुताबिक इस घटना में 45 लाख यात्रियों के डेटा का प्रभावित किया गया है। कंपनी ने कहा है कि इनमें उपभोक्ताओं की निजी जानकारियां जिनमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट, पासपोर्ट की जानकारी, टिकट की जानकारी, स्टार अलायंस, एयर इंडिया फ्रीक्वेंट फ्लायर डेटा और क्रेडिट कार्ड की जानकारी शामिल है। एयर इंडिया के मुताबिक डेटा ब्रिज की ये घटना 26 अगस्त 2011 से 3 फरवरी 2021 के बीच की है। कंपनी ने क्रेडिट कार्ड के संबंध में कहा है कि हमारे डेटा प्रोसेसर के पास CVV CVC नंबर नहीं होता है। एयर इंडिया के मुताबिक इस घटना के सामने आने के बाद तुरंत उसने इसकी जांच की, प्रभावित सर्वर्स की सुरक्षित किया गया, क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं से संपर्क किया गया और उन्हें सूचित किया गया कि साथी एयर इंडिया FPP प्रोग्राम के पासवर्ड को रीसेट किया गया। कोरोना महामारी के इस दौर में कई समाजसेवी अपने अपने तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में शुक्रवार को समाजसेवी तोक ताबिन कामदिर, व्यवसायी गोविंद गुप्ता और नाबाम तालार ने होज स्थित क्रिश्चियन प्रेयर सेंटर में राशन सामग्री का वितरण किया। यह क्रिश्चियन प्रेयर सेंटर राज्य के सबसे पुराने प्रार्थना स्थलों में से एक है। सेंटर के एक सदस्य ने बताया है कि प्रार्थना केंद्र लोगों द्वारा किए गए स्वैच्छिक दान से चलता है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वे इस प्रार्थना केंद्र की मदद के लिए आगे आए। तो ताबिन गोविंद गुप्ता और नाबम तालार ने ESC नाहरलगन के कार्यालय में रेनकोट, छाते और मिनरल वाटर का भी वितरण किया। तकरीबन हम लोग 200 है अभी भी, 200 आदमी है जिसका कोई किसी का घर नहीं है, विधो विधवा है और कोई किसी का पेरेंट्स जो नहीं है, ऐसे लोग को भी हम लोग केयर करके बैठे, और एडिक्टेड और जो सुमेद लोग जो पागल मतलब काम नहीं करते, ऐसे लोग भी बहुत है, हम लोग उनको केयर करके, और पैरालिस लोग भी है जिसका एबल नहीं है, उसको भी हम लोग यहाँ बैठा के ऐसे करके हम लोग बैठे, और यहाँ पर स्टाफ बहुत है, स्टाफ हम लोग सब 105 आदमी है स्टाफ, और ऐसे करके हम लोग पूरा सर्व कर रहे हैं, ड्राइवर, कुकिंग, केयर करने में, धोरबा करने में, और ऐसे करके यहाँ कोई हम लोग गवर्नमेंट से कहीं से भी सोर्स नहीं है, जैसे हमारा अरुणाचल जैसे असम ये सामने आदमी वेल विशर भरा लोग जिसका दिल ईश्वर के लिए भगवान के लिए देख के दया लगता है, इसी लोग मदद करता है, उसी से हम लोग चल रहे हैं। अपना दिल से वो कंट्रीब्यूशन करेगा बोल के आया था, वो
कोई तो हमको नहीं बोला ऐसे करना है बोल कर, ऐसे नहीं है। लेकिन ये मैं आपका सोशल मीडिया का माध्यम से मैं भी अपील करना चाहूँगा कि जो भी है जो भी धर्म से है वो लोग थोड़ा आगे आके मदद करने से, ठीक है, ऐसे निधि समय में, इस महामारी का समय में, पेंडेमिक का समय में सब आगे आके, कुछ छोटा हो बड़ा हो कोई बड़ा बात नहीं होता है, एक बैग एक किलो चावल भी दे सकने से सबके लिए बहुत अच्छा होगा। तो हम वही अपील करेगा जितना भी लाइक माइंडेड पीपल है और जो दे सकता है इस हरा हापा फास्टिंग सेंटर में, कुछ आप लोग का तरफ से मदद करने से देखिए इस समय में। पिछले दिनों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान अतिश यादव की सूझबूझ से एक रेल यात्री की जान बच गई। बीते बुधवार की रात को न्यू बोंगाईगांव रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश में प्लेटफॉर्म पर गिर गया था। अगर अतिश यादव तुरंत उस व्यक्ति को उठाकर ट्रेन से दूर नहीं ले जा गए होते तो कोई अनहोनी हो सकती थी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद लोग आरपीएफ जवान अतिश यादव की तारीफ कर रहे हैं। ईस्ट सियांग जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र लोगों को मई और जून महीने का मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें लाभार्थी खुश हैं और सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। अच्छे हैं, हाँ हम लोग का मदद कर रहे हैं, अच्छा ही है, तकलीफ तो होगा ही, नहीं मिलेगा तो। पिछला बार तो मिला था लेकिन चलने के लिए तो अच्छा ही था। एक बस्ता है, दो बस्ता मिला है, चावल मिला है, दाल मिला है और आपका तेल मिला है, मीठा तेल, आलू मिला है। तिरप जिले के खोंसा में अरुणाचल प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री तिरोंग आबो और उनके बेटे आलोंग आबो की दूसरी पुण्यतिथि शुक्रवार को मनाई गई। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कोविड एसओपी का पालन किया। दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्व मंत्री तिरोंग आबो और आलोंग आबो की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बोरदुरिया के विधायक वांगलिंग लुआंगदिंग, विधायक चातक आबो, तिरप के पुलिस अधीक्षक कारदक रिबा सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि 21 मई 2019 को तिरप जिले के बोगापानी इलाके में अज्ञात हमलावरों के हमले में पूर्व मंत्री तिरोंग आबो और उनके बेटे आलोंग आबो सहित कई अन्य लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। On this day, they have not lived down their lives in vain. For peace, they gave our lives. Tirong Abo was a man of his word. I was closely connected to him. I saw him come up in the hard way, belonging to a poor family. He had a zeal and the enthusiasm to work and serve his people. I wouldn't say only 56 constituency. He had a feeling for entire Tirap district, for the entire state of Arunachal. Let it be an example to the youth of our district especially, that yes, we can also come up, no matter how hard the situation and how hard the way is, provided they have the interest and the enthusiasm to serve the people, which Tirong Abo rightly had. Let it be an example. Though he lived a short life, the works that he had done was immense, was tremendous in such a short span of his life. The development and the projects that he initiated for his constituency and also for the district as a whole is incalculable. I pay my homage, my respect to all those lost souls and their families who are here today, that yes, we are with you. The people of Tirap are with you. The Noctes are with you. The entire Arunachal are with you. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा, नमस्कार।